पसंद। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा दयाल के बारे में। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि बॉलीवुड में अक्सर सर्जरी के बारे में सुना जाता है। एक्ट्रेसेस अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने लिप की सर्जरी करवा लेती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने किसी भी बॉडी पार्ट की सर्जरी करवाती हुई नजर आती हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो सर्जरी के बाद बेहद खूबसूरत हो गई, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका सर्जरी के बाद चेहरा बिगड़ गया। तो वहीं अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईशा दयाल ने भी अपनी लिप सर्जरी करवाई है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एक इवेंट में पहुंची ईशा दयाल। दरअसल उनकी आने वाली फिल्म केक वॉक के प्रीमियर पे पहुंची ईशा दयाल ने जब मीडिया से बातचीत करी तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने लिप पे कुछ किया है, सर्जरी करवाई है। और अब हर कोई बस यही सोच रहा है कि आखिरकार वाकई ईशा दयाल ने अपनी लिप सर्जरी करवाई है या फिर नहीं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है और आज हम आप सभी को उसी वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। आइए आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा दयाल, जी हाँ, हेमा मालिनी की बेटी ईशा दयाल अब जल्द ही फिल्म केक वॉक से बॉलीवुड में नजर आने वाली हैं। तो वहीं हाल ही में अपनी फिल्म के प्रीमियर में शामिल होने पहुंची ईशा दयाल ने अपनी फिल्म के बारे में ढेर सारी बातचीत करी, लेकिन इस दौरान ईशा दयाल का लुक काफी ज्यादा बदला नजर आया। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमे हर कोई बस यही कहता हुआ नजर आया कि ईशा दयाल ने लिप सर्जरी करवा ली है क्या। वेल, हमें भी नहीं पता कि ईशा दयाल ने वाकई लिप सर्जरी करवाई है या फिर नहीं, लेकिन हाल ही में जो वीडियो सामने आया है उसमें ईशा दयाल का लुक काफी अलग देखने को मिला। उनके लिप्स पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई दिए थे। वेल, सच्चाई जो भी हो वो तो जल्द सामने आ ही जाएगी, लेकिन आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में और ईशा दयाल ने अपनी फिल्म केक वॉक को लेकर क्या कुछ बताया है मीडिया में। वेल, मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि केक वॉक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। दिस फिल्म हैपन टू मी आफ्टर आई बिकेम अ मदर एंड इट्स रिलीजिंग बिफोर आई बिकम अ मदर अगेन। सो यू नो, दिस इज समथिंग क्रिएटिवली दैट आई हैव डन आई थिंक इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई मदरहुड। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू राम कमल हु इज डायरेक्टेड दिस फिल्म, हु मैनेज टू कन्विंस मी टू डू यू नो दिस 27 minute film which I've never done before, and it's just a beautiful story. All of us girls would really identify with Shilpa Sen's character, and you guys will support it. And I think it's just the right time for a film like this to come out, so I'm looking forward and I'm happy that this kind of a film for the first time has got such a big platform, having a world premiere, thanks to Raj Nayak for having faith in our project and taking it up, because this is the first time something like that has happened, and the music has been taken by Zee Music. So there are many firsts in this film, and I'm sure we are opening up avenues for many more filmmakers who want to do this kind of stuff. Okay, we just heard the song and it's like life is never a cakewalk. Yeah. So what exactly does that mean? We would like to know. I think from time to time, life sometimes is not a cakewalk. In certain situations, certain phases in our lives, we would want to sing a song like life is never a cakewalk. It is not a fairy tale, let's put it that way. We have to really work hard for everything in life. Personally, for women and mothers, well, I think first of all of us being born as a girl child is a blessing. I am happy my first baby is a baby girl, and I think we women are blessed in many ways. We teach a man how to love. जी, मुझे बहुत ही अफसोस है जो हुआ। इट वॉज़ कम्प्लीटली वेरी हार्ट ब्रेकिंग, आउट ऑफ कंट्रोल एंड अनएक्सपेक्टेड। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ ऑल द सोल्जर्स, एंड आई एज अ सिटीजन ऑफ आर कंट्री आई रिक्वेस्ट दैट एज अ नेशन वी स्टैंड टुगेदर एंड वी वॉन्ट आर लीडर्स टू रियली टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दिस।
जी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, और हम जितना भी बढ़ाए जो भी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट यू नो द रॉन्ग डूअर बी टॉट अ लेसन, यू नो, नहीं तो ऐसे चलने वाला नहीं है. इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई फील वेरी इमोशनली हर्ट फॉर ऑल दोज फैमिलीज एंड द लव्ड वंस बैक होम. या थैंक यू, थैंक यू. वेल दोस्तों, तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को ईशा दयाल के बारे में बताया. उनकी आने वाली फिल्म के एक वॉक के बारे में ईशा दयाल ने खूब सारी बातें करी मीडिया से, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने लिप्स पर कुछ करवाया है, अपने होठों की सर्जरी करवाई है. खैर, ये तो वक्त आने पर पता खुद ब खुद चल ही जाएगा. लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप निराश न होइए. बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को.